यार मेरे पैसे डूब गए। तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, मैं व्लॉग्स बना रहा था, मैं अपनी एडिटिंग के काम कर रहा था, लेकिन तभी मेरे ज़िंदगी में एंट्री हुई एग्ज़ाम्स की। यस, एग्ज़ाम्स। सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम चो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू कि अभी इस फुटेज के पहले जो मैंने ये पूरा तामझाम किया था ये टी शर्ट को अनबॉक्स करने का, सो लेट मी टेल यू दैट दिस टी शर्ट हैज बीन सेंट टू मी बाय redwolf.in एंड ये जो साइट है ना बॉस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेरे को ऐसा फंकी और कहते हैं ना ऐसा मॉडर्नाइज साइट मिला है जहाँ पे यू नो यू कैन बाय सच टी शर्ट्स। यहाँ पे भी इस पे भी लिखा हुआ है बॉम्बे ईट्स यू अलाइव, ये इफ यू कैन सी बॉम्बे ईट्स यू अलाइव, मतलब एकदम ऐसा कहते हैं ना वो बहुत अच्छा वाला फील लेता है, एकदम मजा आता है पहनने को। एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो रियली गुड। ऑल्सो दीज गाइज नॉट ओनली हैव टी शर्ट्स बट इनके पास स्टिकर्स है, बैजेस है एंड मोबाइल कवर्स है ऑफ योर फेवरेट टीवी शोज ऑल्सो, फ्रेंड्स के है, गेम ऑफ थ्रोन्स के है, सीक्रेट गेम्स के है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाके क्लिक करो एंड चेकआउट ऑल द प्रोडक्ट्स। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ जाए ना, यू फील लाइक बाइंग इट, तो आपको क्या करना है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कोड दिया हुआ है, तो जब आप चेकआउट करो उस कोड को अप्लाई कीजिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरी तरफ से, ये भाई की गारंटी है। ठीक है, तो अभी अपने काम करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, अपन जाएंगे अपने अड्डे पे। किधर? अपने वाले अड्डे पे। तो आ गए बॉस, अपन अपने अड्डे पर आ गए एट वर्ली सीफेस और आज वंस अगेन द क्लाइमेट इज रियली गुड ओवर हियर। मेरे को समझ नहीं आता, मैं जब भी सीफेस आता हूँ यहाँ पे क्लाइमेट ऑल ऑफ अ सडन जो धूप होती है चली जाती है और मस्त क्लाइमेट हो जाता है। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ माय एग्जामिनेशन, मतलब बचपन से लेके आज तक का ये जो चीज़ हो रही है ना मेरे साथ, ये जो कहानी ये बार बार हो रही है और हर 6 महीने के बाद। तो एवरी टाइम जब एक एग्ज़ाम नज़दीक आती है ना तो ये 5 दुर्घटनाएं होती है मेरे साथ, आप लोग के साथ भी शायद होती होगी, तो वो दुर्घटना के बारे में आज अपन बात करते हैं। तो जो पहली दुर्घटना है वो है द टाइम टेबल, और जब ये टाइम टेबल आता है ना तो हिरोशिमा और नागासाकी से भी ज़्यादा इफेक्टफुल होता है, सच्ची बता रहा हूँ। हेलो, हाँ 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 देखा मैंने, 18 नवंबर ना भाई, बहुत टाइम है यार अभी तक तो, 1.5 महीने से ज़्यादा वक्त है। अरे पढ़ेंगे आराम से यार, साथ में पढ़ेंगे पक्का वाला, ठीक है। हाँ हाँ चल ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स एकदम बिंदास, ठीक है चलो ओके बाय, बेफालतू का टेंशन। तो अब जो दूसरी दुर्घटना होती है वो जो होता है ना उसका टाइम पीरियड में बता दो आपको क्या होता है। ये होता है टाइम टेबल के 2 या 3 हफ्ते के बाद और एग्जाम के 1 या 2 हफ्ते पहले। वो टाइम पे अंदर से आवाज़ आती है कि भाई पढ़ ले, अब की बार तेरे को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, लेकिन हेलो हाँ ब्रो बोल। अरे तो चिल कर यार, अभी तक 2 हफ्ते बचे हैं, 2 हफ्ते मुझे पता है तू 2 हफ्तों में कितना कुछ कर सकता है यार। देख मैं तेरे को अभी से कह रहा हूँ, अपन साथ में पढ़ेंगे, ग्रुप स्टडीज ही करेंगे, तू टेंशन मत ले, ठीक है, भरोसा रख मेरे पे। हाँ हाँ चल ठीक है ओके बाय बाय। तो भैया आप जो तीसरी दुर्घटना है उसमें बता दो आपको क्या होता है एग्जैक्टली। तो ये वाली जो दुर्घटना होती है ना ये ऑल ऑफ अ सडन एग्जाम के बस चंद दिनों पहले अंदर से ना ऐसे अंदर से आवाज़ आने लगती है और अंदर से ऐसे पूरी जागृति हो जाती है कि यार अब मुझे टेक्स्ट बुक्स ले लेनी चाहिए और मुझे कुछ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और ऐसी टाइम पे ना सबसे पहले ना अपने दोस्तों की याद आती है, सच्ची में। हेलो हाँ ब्रो सुन ना यार, टेक्स्ट बुक्स कहाँ से लूँ मैं, मेरे पास टेक्स्ट बुक्स ही नहीं है। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया यार, मैं तो भूल ही गया। हाँ तो एक्चुअली सीन ऐसा है ना कि वी BMM स्टूडेंट्स नेवर बाय टेक्स्ट बुक्स, लाइक सम ऑफ देम डू, बट हमारे जैसे जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई में हम कभी बाय नहीं करते, हम जो है इंटरनेट से पढ़ते हैं क्योंकि हम ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। तो बॉस अब जो चौथी दुर्घटना है ना ये एक्चुअली एक बीमारी है जो हर एक स्टूडेंट को हर एग्जामिनेशन के सिर्फ 1 दिन पहले होती है और इसको हम कहते हैं 1 day life motivation, ठीक है। तो एग्जाम के जस्ट 1 दिन पहले ना अपने को अंदर से इतना ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है कि बॉस अब की बार तो पूरा फाड़ देंगे, मतलब ओ ग्रेड के भी ऊपर वाला आ जाएगा और 100 क्या मतलब 150 आ जाएगा 100 में से, और मतलब जो लेवल की पढ़ाई होती है ना वो देख लो, लेकिन सिर्फ 10 मिनट की वो पढ़ाई होती है। काम करते हैं,
छोटा ब्रेक लेते हैं, सो लेते हैं, बहुत हेक्टिक हो रहा है, वैसे भी बहुत पढ़ लिया अपन ने, और थोड़ा रेस्ट करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, चल चल बाय, साथ में पढ़ेंगे लेकिन, ठीक है? हाँ बाय। तो बस यही तक होती है वन डे लाइफ मोटिवेशन की बीमारी। इसके बाद बंदा जो सो जाता है सीधा रात को या अगले दिन ही उठता है और फिर अपने आप को कोसता है कि यार क्यों एग्जाम्स है, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, और मैं ये क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, व्हाई डिड आई स्लीप, और अपने आप को वापस से कोसने लग जाता है। और ये जो कहानी है ना, ये रिपीट होने लगती है हर पेपर के बाद और हर पेपर के पहले। तो दिस वॉज माई स्टोरी। तो बॉस, अब जो अगली दुर्घटना है वो है मीम्स। हर एग्जामिनेशन के टाइम सबसे पहले एक बंदा जो होता है वो सिर्फ मीम्स भेजता है। तो बॉस, दैट वॉज माई एग्जामिनेशन स्टोरी, और ये जो कहानी है ना, ये मेरे साथ हर एग्जामिनेशन में होती है। सो डू लेट मी नो अबाउट योर एग्जामिनेशन स्टोरी ऑल्सो, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि मेरे को जो लोग देखते हैं ज़्यादा करके सारे स्टूडेंट्स ही है। तो आपके पास भी कोई ऐसा फनी सा कोई कंटेंट या कोई ऐसा स्टोरी होगा तो कॉमेंट्स में ज़रूर लिखो, एंड द बेस्ट स्टोरी दैट आई रीड इज गोइंग टू गेट अ शाउट आउट फ्रॉम माई साइड। क्योंकि यार ये एग्जामिनेशन जो है ना यार, ये बहुत मतलब अंदर से गुस्सा आता है कि क्यों हो रहा है और ये क्यों मैं एग्जाम्स दे क्यों रहा हूँ। एंड स्पेशली अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो ना, तो आप मेरे को ऐसा मतलब कहते हैं ना, ऐसा रिलेट कर पाओगे लाइक नो बडी एल्स। सो डू लेट मी नो अबाउट इट इन द कॉमेंट्स। तो अपन अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स, शुक्रिया। और अब मैं जाता हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि मैं कब से टाइम पास कर रहा हूँ और कल मेरा पेपर है। लिटरली कल 18 नवंबर है और कल मेरा पेपर है और मेरे को कुछ नहीं आता है। तो मैं जाता हूँ अभी फटाफट, और अपन अगले वीडियो मिलते हैं। चलो बाय।